फाइनली मैंने सोचा कि विंटर की थोड़ी बहुत पैकिंग कर लें। और ये जैकेट तो मुझे पहने में भी पता नहीं कितने साल हो गए, इतने सारे जो मैंने निकाल निकाल के ऊपर से फेंके हैं ये सारे बूट्स, ये भी नहीं खोले हैं अभी मैंने। तो अभी आप इसका मैसअप देख लें। जैद के लिए सरप्राइज लेके आ रहा है आपके लिए, नई गाड़ी खरीदी है सामान। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, हम भी काफी बेहतर माशाल्लाह फील कर रहे हैं। तो आज क्या हो रहा है? आज हो रहा है विंटर की पैकिंग। फाइनली मैंने सोचा कि विंटर की थोड़ी बहुत पैकिंग कर लें, क्योंकि पैकिंग क्या मतलब डीक्लटर कर लें क्लाउजेट्स में, जूते और वो क्या कहते हैं आपको पता है यहाँ पे बूट्स और ये मोटे मोटे जैकेट्स ने क्लाउजेट्स भरे हुए। तो आज मैं सबसे पहले तो बेस ऊपर से नीचे जाने वाली हूँ, ये तो मुझे जैकेट लाइब्रेरी के कमरे में फिल्मिंग रूम में नजर आ गई थी तो मैंने ले ली। खांसी अभी भी थोड़ी थोड़ी है लेकिन बहुत बेहतर है। तो अब नीचे जाएंगे, क्लाउजेट्स में से जैकेट्स मोटे वाले निकालेंगे, दूसरे नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे वेदर का कुछ पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि परसों जैसे इतनी ज्यादा फ्लरीज पड़े थे 2-3 दिन पहले। लेकिन चले, बास्केट हमने उठा ली है और जैकेट्स और बूट्स, बूट्स और जैकेट्स ये मेन टारगेट है आज उनको निकालने का और पैक करने का। और उसमें से जो रिसाइकिल करने वाले होंगे, जो बच्चों ने नहीं पहनने या उन्होंने उनका मूड हो गया कि अब बहुत पहन लिया है तो उनको छोड़ देंगे। तो लेट्स गो स्टार्ट दैट। पॉकेट्स देखती जाऊँ क्योंकि हमेशा मेरा क्या होता है विंटर की मैं जैकेट्स निकलती हूँ उसमें नेक्स्ट ईयर पैसे और पता नहीं फ्लिप फ्लॉप्स और पता नहीं क्या क्या निकलते हैं, आप लोग से भी निकलते होंगे लाजमी। तो बस चले आज पैक करें मेरे साथ विंटर। आप तो कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं ये पहले तो ये बताएं, आपको डर लगा वेदर से कि नहीं लगा? और ये जैकेट तो मुझे पहने में भी पता नहीं कितने साल हो गए, मैंने ये जैकेट पहनी भी नहीं। और ये मकाश स्लीव अच्छी जैकेट्स का यही होता है, एक दफा आप ले लें, एक दफा आप ले लें और दोबारा वो खराब नहीं होती। आती है अभी भी पूरी, वैसा नहीं शायद नहीं आएगी लेकिन लग रहा है कि आ जाएगी अभी भी पूरी। गर्मी लग गई, धूप इतनी अच्छी बाहर से आ रही है, ये जो हमारा हाई सीलिंग का यहाँ पे है ना, इतनी खूबसूरत सी अच्छी सी धूप आ रही है यहाँ से। अच्छा इसकी भी पॉकेट्स देखने, वैसे तो मेरे ख्याल इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि जब मैंने पहने ही नहीं है, पता नहीं लाया कौन वहाँ से नीचे से निकाल के, मैं तो थी नहीं विंटर में, मैं भी लाइबा लाई हूँ ना, इसमें भी कुछ नहीं है। और ये इसके लिए मैं सच आपको बताऊंगी कि नीचे लाइबा ने वो फोल्ड मंगवाए थे, अलमारियां हैं कैबिनेट्स हैं जो जिप अप हो जाते हैं ना, तो ये उसमें जाएंगे हैंग करके उसी में, बल्कि मैं हैंगरों के समेत निकालना चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसे निकाल दूंगा। और ये लाइबा की जैकेट है और ये भी बहुत पुरानी है, ये कब ली थी, ये कहाँ की, ये क्या बोलना नहीं आ रहा उसकी, तो मेरे ख्याल में हैंगर भी निकालूंगी, हैंगरों के साथ ही ले जाऊंगी क्योंकि फिर हैंगर फिर मुझे अलग से डालने पड़ेंगे, टिश्यूज वगैरह पुराने। उफ, दो जैकेटों में मेरी बास्केट भर गई। ये देखें एक वो ब्लैक वाली नीचे मेरी और ये लाइबा की, तीन जैकेटों में भर गई। और आप सोचेंगे बूट्स इतने सारे जो मैंने निकाल निकाल के ऊपर से फेंके हैं, ये सारे बूट्स सारे सिक्के सारे डीक्लटर करें। हाँ अभी यही नहीं ऊपर भी बहुत कुछ है। ये पहला कोट है जो जैद का लाइबा ने खरीदा था सबसे पहले इनकम में, जब वो वॉलमार्ट में काम करती थी उसने सबसे पहली दफा ये जैद के लिए कोट खरीदा था। और मैं कैसे निकाल, ये जैद का फेवरेट कोट है तो ये तो जैद के नीचे ही वहीं पे जाएगा क्लोज़ेट में। हाँ, ये तो खैर अभी पहन सकते हैं इनको, ये तो वो जो होती है फैंसी जैकेट्स लेदर की जो होती है, ये लाइबा की है, मैं और लाइबा यूज़ कर लेते हैं, मिक्सअप करके यूज भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे रहेंगी। और ये जो महंगे महंगे जैकेट्स हैं इनके ये नहीं जाएंगे नीचे बेसमेंट में क्योंकि विंटर में तो इनका कोई काम नहीं है यहाँ पे।
ये है उजैर के एंड लाइबा के दोनों के, ये भी ज़रा नीचे जाएंगे क्योंकि अभी इनका फिलहाल कोई काम नहीं है। और इतने वजनी है ये और नीचे से अच्छा निकले हुए भी हैं तभी इस वजह से वजनी हो रहे हैं। यहाँ से इसमें से निकल गए एक्चुअली। तो इनको आपको पता है कवर करके ही रखना होता है क्योंकि हम लोगों के घरों में जो खाले बनते हैं है, फिर निकल गए। तो नहीं ये मतलब दो जनों का काम है, वो वजनी इतनी है, ये लंबी वाली है उजैर की कि निकलती जा रही है। मुझे लग रहा है नीचे जब जाऊंगी ना बेसमेंट में तो जब भी इसको मैं लगाऊंगी आपको वो आपको क्लाउजेट लाजमी दिखाऊंगी कि अगर आपको एक्स्ट्रा कहीं स्टोरेज वगैरह पे रखने के लिए वो चाहिए तो वो बहुत अच्छा है। मतलब वो सस्ता भी है और अच्छा भी है, पर आपको संभल करना पड़ता है। तो लाइबा न्यूयॉर्क जाने से पहले इसको संभल करके गई थी मेरी के, क्योंकि मेरी हेल्प आनी थी क्लीनिंग के लिए, तो मैंने कहा कि वो करके जाओ ताकि मैं सारे ये काम करवा लूँ पहले से। बस मेरा ख्याल यही है, ये तो पतले वाले जैकेट्स हैं इनसे उनको भी अब मैं पहनती तो हूँ नहीं। विंटर का तो ये सब पूरा भर गया, इससे ज़्यादा ये मुझसे पहले से उठा भी नहीं जाएगा करूँ इस तरफ। और द बूट्स आपको पता है जब विंटर आता है तो हम लोग बूट्स ले लेके फेयर डाल देते हैं। अब ये बूट्स ने इतनी जगह और सारे काले रंग के, सबके काले रंग के, पता नहीं लाला से मैंने ये नहीं पूछा कि ये पता नहीं विंटर में पहनने वाले हैं कि दूसरे हैं। ये देखें इन बूटों पे वो भी लगे हुए क्या कहते हैं इसमें है क्या, कुछ भी नहीं है। मेरे पास लाला ने अभी पहने भी नहीं, इसके अंदर ही खाली आप कुछ रख सकते हैं इसके अंदर बूट्स के अंदर। ये देखें कैसे इन्होंने साइड में वो दिए हुए पॉकेट्स दिए हुए, पर्स बूट पर्स बूट पर्स ये निकाले और ये बूट्स। और अभी कई डब्बे ऐसे हैं, ये पैलेट हॉर्न जो हमारे घर आई है उसके ये बॉक्स ये पड़े हुए अभी तक भरे हुए, ये अभी हमने खोले भी नहीं। आप सोचे तो सही, ये अभी तक हमने खोले भी नहीं। ओ ये भी नए चमकीले भड़कीले शूज, ये भी नहीं खोले हैं अभी मैंने। ये तो फिर समर के हैं, ये तो ऊपर ले जाऊंगी मैं क्लोज़ेट में। ओप्स लग रहा है लाइबा का साइज मुझे तो आएगा भी नहीं। जूतों में मैं और लाइबा मार खाते हैं क्योंकि जूते लाइबा के डिफरेंट साइज के होते हैं, मेरे डिफरेंट साइज के होते हैं, इसलिए ये देखे ये होता है जूते ले लिए खोले तक नहीं अभी। ये देखो ये है लाइबा के साथ विंटर बूट्स लिए होंगे उसने, फिर याद भी नहीं होगा उसे कि नहीं है इसने। ये देखे इसी नस्ल के इतने सारे हैं कि और अभी निकलेंगे ऊपर कमरों में और कमरे क्लाउजेट्स में होंगे। ये भी सिर्फ लाइबा की बात कर रही हूँ, कुजैर की कलेक्शन का आप देखेंगे तो वो तो जैद को भी इतने देता रहता है कि अभी कोई पता नहीं। मैं दिखाऊंगा आपको ये बूट्स विंटर बूट्स ये है, और अभी अभी तो बहुत कुछ यहाँ से निकलना बाकी है। अब आ गया हैट्स, समर हैट अलग करेंगे, मुझे ऊपर भी ऑर्गेनाइज करना है इनके लिए। मैचिंग की बास्केट्स लाऊंगी डॉलर स्टोर से या वो क्या कहते हैं वॉलमार्ट या कहीं से भी, विंटर हैट कलेक्शन देखना। ये तो कोई बाहर जाने के लिए, अभी ऊपर जो फैंसी और आपने ड्रेस देखे कितनी अच्छी लग रही है। अभी पापा जैद होते तो वो चुटकले मारते अपने ये बैंड क्या कर रहे हैं। चले आपको ये विंटर कलेक्शन में अपनी सारी दिखा दी जो कि हमने इस दफा पहनी नहीं। वैसे ये तो जैद की है बड़ी वाली जैकेट, उजैर की या जैद की दोनों में से एक की, ये अच्छा कलर है। टोपियाँ तो एक दो मैं रखूँगी एमरजेंसी की यूज़ के लिए यहाँ पे, टोपियाँ भी ऐसी होंगी लाइबा ने ले लेके रखी। कुछ कंपनियाँ भी भेज देती हैं जिनको खोला भी नहीं होता, वो वैसी कोई भी होती है टोपी के ऊपर टोपी। तो ये हो गया हल्की फुल्की टोपियाँ मैं एक दो रखूँगी यहाँ पे, ये तो पी क्या क्या ताकि जैद बाहर गाड़ियों का काम करें ताकि समर में। और ये मेरा हिजाब, माशाल्लाह हिजाब
ये मोटी टोपी की जरूरत नहीं, पतली पतली टोपियां बाहर रखूंगी तो। एक तो एमरजेंसी के पहनने के लिए पास, बाकी सब नीचे बेसमेंट में जाएंगे। ये रनिंग के लिए, जैसे वॉक करने या रनिंग के लिए आप जाते हैं ना, तो बाहर विंड होती है इसके अंदर, ये मुंह का है, चलो वायु खाएं इसके अंदर, ये मुंह में से सांस आप आराम से ले सकते हैं, पूरा कवर नहीं है नाक मुंह से, आपको हवा भी नहीं जाती और सांस भी लेना आसान होता है। अच्छा ये हो गया, अभी वो बड़ी वाली भी उतारनी है, तो रखनी है क्योंकि समर में आपको काम आती है धूप के लिए बाहर, तो ये रखनी है। मैं पतली पतली ग्लव्स भी हल्के से रखनी है, किसी को जैसे जैद को सर्दी लगती है, इसमें ज्यादातर स्कार्फ होंगे जो कि मुझे लेने होते हैं हमेशा जाते हुए, डिफरेंट कलर के, लेकिन ये विंटर वाले मैं निकाल दूंगी अब इनकी जरूरत नहीं है, ये ले जाऊंगी मैं नीचे क्योंकि इनकी अब जरूरत नहीं है। पतले वाले रख रही हूँ सिर्फ यहाँ पे, ये विंटर के जो ब्लैक इतने बड़े बड़े हैं ना, स्कार्फ शॉल्स, इनकी अब मुझे जरूरत नहीं है इस वक्त, ये निकलेंगे अब सितंबर अक्टूबर अक्टूबर में जाके। ये मेरे देखे कितनी सारे जहाँ अभी ले लेने, टोपियाँ और आ गई हैं, जितनी मर्जी टोपियाँ पहनते जाए रखते जाए पहनते जाए रखते जाए, बाकी तो ये मेरे नमाज के हिजाब हैं सारे, ये सारे ऊपर जाएंगे, इधर क्यों पड़े हुए। विंटर ग्लव्स, विंटर ये पतले वाले जाओ ऊपर जाएंगे, विंटर ग्लव्स ये भी मोटा है स्कार्फ ये भी नीचे जाएगा, बारीक पतले वाले मैं रख रही हूँ इस तरह के जो कि यहाँ यूज हो सकते हैं, अदरवाइज मोटे वाले सारे। और ये तो वो है अबाया है मेरा, अबाया में यहाँ पे पता नहीं क्यों कहीं पे जुम्मा पढ़ के आई होगी लगा, या मैं तो हमने यहाँ पर डाल दिया होगा, अब यहीं पे दूंगा। अबायों की जो कलेक्शन है वो भी एक दिन मैं आपको दिखाऊंगी, लाइबा ने इकट्ठी की हुई है पर मैं और लाइबा आपको पता है, और अबायों का तो मसला ये है कि आप हर साइज के लोग पहन सकते हैं, तो ये भी ऊपर जाएगा तो इसको इधर रखती हूँ। हाँ ये भी विंटर स्कार्फ है, ये भी इसकी भी जरूरत नहीं है, ये भी ऊपर जाएगा, बस ये है सारा। अब मैं इनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करती हूँ और फिर वापस आती हूँ। और ये भी सैंडल लाइबा ने लिए थे लास्ट ईयर, पहने नहीं इतने, मुझे थोड़े से लूज हैं ये, इसके हैं किसके क्रॉक्स के, बड़े फैंसी से हैं, लास्ट टाइम लाइबा पाकिस्तान भी पहन के गई थी इनको। चलिए ये तो समर में अभी यूज आए, चलिए मैं थोड़ा सा पैकअप करती हूँ फिर वापस आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से क्या क्या जा चुका। तो अभी आप इसका मैसअप देख लें, जैकेट्स वगैरह, ये जो अभी ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, और अभी ऊपर से सामान निकलेगा इनको पैक करके, फिर मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके फिर मैं वापस आती हूँ। मैंने वहाँ से खलारे से लिया है ब्रेक थोड़ा सा, और आज हम सारा लेफ्ट ओवर गर्म कर रहे हैं, पूरा लेफ्ट ओवर गर्म कर रहे हैं। इसको मैं शांत करूँ, लेफ्ट ओवर में हमारे पास ये दाल है बची हुई, गर्म नहीं करना। हाँ। इसको फ्राई करना, तड़का लगा रहा हूं, बना रहा हूं, इसमें टाइम लगता है, ये नहीं खाली गर्म करना, ये देखो। और ये फ्रीजर में हमारे पास कोरमा जो था वो फ्रीज किया हुआ था वो निकालना है, और ये मेरी फ्राई की भी दाल बच्चे इतना पसंद करते हैं, पता अभी उसामा भी आ रहा है, उसामा का भी फोन आया और जैद के लिए सरप्राइज लेके आ रहा है आपके लिए, नई गाड़ी खरीदी है उसामा ने, नई गाड़ी के मुझे बताए बगैर सरप्राइज अगर देगा ना तो पता लग भी पता जाएगा कि मैं सरप्राइज देने आ रहा हूं, पाकिस्तानी बाप और बाप बाप होता है, मेरे पूछे बगैर कैसे, पूछे नहीं बड़े हैं बच्चे समझदार, लेकिन डिस्कस किए बगैर कैसे ले सकता हूँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, वो देखे टमाटर पड़े हैं, टमाटर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे अभी भी यकीन नहीं है उसने कोई जोक किया, चलें आप देखें देखते हैं पता चले, उसने कोई तुम लोगों के साथ जोक किया कि आई बॉट अ न्यू कार, मुझसे डिस्कस किए मेरे मशवरे के बगैर वो ले नहीं सकता, ये इतना तो मुझे भरोसा बच्चा मेरा ही है ना। अच्छा अब मैं क्या करूँ, सैलेड बनाऊंगी, ये देखिए सैलेड काम आ गए ना, लाए हुए सैलेड कास्को से लाए थे, काम आ गए, तुमने लाजमी लेना है, ये तो मैंने लाजमी लेना, मुझे तो पसंद आता है इसमें ना, इसमें देखिए कितनी किस्म की चीजें, ये सवाल तो ये कि एक चीज जो मुझे पसंद नहीं है तो मेरे बगैर कैसे खाती कैसे हो, आप खा भी लेते हैं घर में, खा भी लेते नहीं, मुझे वो दाने से पता नहीं वो क्या दाने, सेसमी सीड्स हैं, सेसमी कह रही हूँ, पम्पकिन सीड्स हैं जो जैद को पसंद नहीं, तो वो निकाल दूंगी, वो ना खाएं आप, और इसमें
सेवन सुपर फूड है दैट इसमें सुपर फूड सेवन सुपर फूड है जो आप कह रहे हैं कि आपको पता अच्छा, सुपर फूड ये सारे सुपर फूड है। तो मैं इसको वो समझ रहा हूँ कि बंद गोभी है ये कैबेज है ये मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कैबेज है तो ये बहुत हेल्दी है। अच्छा फिर ठीक है खाली बचा और इसकी प्राइस बहुत रिजनेबल है कॉस्को में तो आपको कुछ कुछ हो ना जैसे अब मेरे पास क्यूकम्बर नहीं मैं कुछ नहीं देसी सैलड बनाऊंगी अच्छा, प्याज टमाटर डाल फिर मेरे पास वो नहीं है क्या कहते हैं क्यूकम्बर नहीं है आज कुकुम्बर को क्या कहती है कुकुम्बर कुकुम्बर अब बोला तो ये होता है काम हम कुछ और कर रहे थे सफाइयों के डिक्लेडिंग के कुछ और हाँ दूसरी दाल भी दूंगा बगैर मसालों वाली लेकिन चल इसको आ जाइए फ्राई करके डाल दिया अभी ऐसे और ये अल्मोनियम फॉइल में मैंने इसको ऐसा रखा था हल्का हल्का ये डिफ्रॉस्ट हो रहा है फिर मैं इसको उसमें डाल के इसमें हरा धनिया और पूरा डाल के ताकि पूरा आर के अंदर निकालना है इसको गिराना नहीं है पानी थोड़ा सा डाल के पकेगा ये नहीं है कि हम बाहर से ही खाते रहते हैं ताजे लेफ्ट ओवर भी सब होता है उसको सब खाते हैं यूज करते हैं हम उसको ऐसा नहीं है और ये मेरा धनिया जो बचा के रखा था मेरे ख्याल मैं तो बारो खाते कोई डेढ़ दो साल हो गया। ओ यार जैद छोड़ ही दे आप तो ये नट्स हैं जो जैद को पसंद नहीं अब जैद को कह दिया ना कि इसमें पूरे सेवन वो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं। तो अब जैद को ये पसंद आएगा क्योंकि पहले जैद को होता है कि नहीं ये नहीं अब जैद को कह दिया ना सुपर फूड है इसमें तो आप देखे जैद नहीं मैं पहले कैबेज ही इसको पूरे को कैबेज समझता था मैं नहीं कैबेज नहीं है पूरे इसमें केल है हर चीज है इसमें ना कैबेज के वो स्प्राउट्स होते हैं जो वो है हर चीज है इसमें। अब इतने मुश्किल मुश्किल नाम लाए के तुमने शोर ना मार दी मुझे तो नहीं पता क्या क्या नाम है मुझे क्या पता ये बस सेहतमंद है बस क्या होते हैं ये है कि सेहतमंद चीज होती तो ये बस ये बन गया जैद की दाल हो गई है और साथ में चावल बॉयल करूंगी और पापड़ तल दूंगी इन्हें बच्चे वो जायरा वगैरह पापड़ शौक से खाती है सो माशाल्लाह एलेना आ गई है जायरा के बगैर आई है आज पहली दफा जायरा के बगैर आई है जायरा के बगैर एलेना आ गई है खाना गर्म हो रहा है अभी इसको एक्चुअली वैक्सीनेशन लगनी तो सना की जॉब है उसामा लेके आया और फिर उसके बाद ये जाएगी बेबी चोची से इंजेक्शन लगेगी चोची से बेबी का इंजेक्शन लगेगी चोची क्यूटी पाए चोची क्यूटी पाए बोले पोलो बेबी मेरा माशाल्लाह 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 कल उस दिन हमने ऑयल में डाला था ऑरेंज ये बुझने लगा अच्छा तू मैं आके तू बुझाई देते यार मैं तो कह नहीं सूखेगा तो फिर जलेगा ऑयल तो सारा लीक हो गया उसमें नहीं ऑयल तो उसके अंदर फिर डाल देंगे लेकिन कम से कम चले तो सही ऑयल अब ऊपर से इसमें से और डाल दो असि भी छड़िया नहीं ऑरेंज का छिलका असि क्या इन पूरा सिरे झाड़ दे अब ऑयल नहीं है ना ऑयल उसका नीचे चला गया ऑयल यार इसको एक मिनट ठहरे में जाओगे ओ मेरी चाय ओ मेरी चाय बात चाय तो गिरानी है आपने मतलब कि ऑयल अब नीचे पर ऑयल इसमें लीक है वो फिर निकल जाएगा लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें से आएगा ना यहाँ दीवे नहीं पंजाब दिए वक्त वेच पै गए दिया जला के रख दी बत्ती बाल के बने रेते रखनी है वो लीक भी हो गया इतनी जल्दी लीक हो गया वो कोई नहीं इट वर्किंग उन्होंने सॉइल में हल्का 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 लेके उम्मीद थी है लेकिन काटी उम्मीद है वैसे तो भी चलोगा बस इतना टाइम नहीं पता इधर चार वीडियो बनाती है तो इधर आकर रूई हुंदी थी ना रूई जदी बत्ती बना दी विच रखी दी थी उन्होंने दादा के चला दियो इतना टाइम अपडेट ये है कि उसामा एलेना आए थे एलेना का 4 महीने का फ्लू वो शॉट्स लगने थे उसको वैक्सीन उसके साथ मुझे भी वो ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया कि यहाँ पे करीब में ही है आप करीब में डॉक्टर बना लें खैर मैं अपनी फैमिली डॉक्टर करीब में यहाँ पे ट्रांसफ़र करा वहाँ पे 2 फॉलोअर्स मिली जिनका दोनों का नाम हुमैरा था तो उनसे मिलके बहुत खुशी हुई उन्होंने देखते ही मुझे कहा कि आप वीडियो में तो बहुत मोटी लगती हैं वैसे तो आप बहुत स्मार्ट हैं मैंने कहा चले कोई नहीं ये तो हर एक से मैं यही सुनती कहने का मकसद ये है कि हम मैं सुबह से आज उठ के आज मेरा पैकिंग का वो क्लीनिंग का क्लोज़ेट इरादा था वो सब बीच में रह गया क्योंकि उसामा लोगों ने आना था खाने में लग गए फिर डॉक्टर के पास चले गए फिर उसामा और उज़ैर को चाय बना के दिए आके अब उसामा और लेना चले गए
जायरा को लेंगे घर जाएंगे, और जायद उठ के आए स्नैप के बाद, चाय बना रहे हैं मेरे लिए और अपने लिए, और अब चाय पियेंगे और उसके बाद देखें कोई काम होता है कि नहीं होता। एटलीस्ट मेरे क्लाउजेट का जो काम मैंने बिखेर के रखा हुआ है वहाँ पे वो तो होना चाहिए, वो मैं आपको लाजमी दिखा दूंगी, अदरवाइज आ रहा हूँ क्या करेंगे। नहीं जैद, मैंने आपसे कहा था ना सुबह ही काम कर लें वरना काम नहीं होगा। चाय पी के फिर शुरू करते। चले देखे क्या होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, कॉमेंट करो जी जाके तुसी। सब तो पहले कि जो जो काम तुसी शुरू करते हो वो पूरा हुंदा वा घर च, या किसी दे आए गए तो इदा ही ठप हो जाता।